हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का मेरा फिजिक्स का सेक्शन है और ये फिजिक्स का सेक्शन जो जो स्टूडेंट्स प्री मेडिकल के हैं और प्री इंजीनियरिंग के, ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस चैनल पर मैंने काफ़ी सारे जो कॉन्टेंट्स हैं जो एंट्री टेस्ट में आ सकते हैं उस सारे कॉन्टेंट्स के ऊपर मेरी वीडियोस अपलोडेड हैं, जिसमें फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, आपके पास बायोलॉजी का सेक्शन है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश का सेक्शन है, तो सारे सेक्शन के ऊपर मेरी वीडियोस अपलोडेड हैं। तो वहाँ पे जाके इस चैनल पे आप वो वीडियो सारी देख सकते हैं। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले आपका पहला जो क्वेश्चन है, स्केलर प्रोडक्ट इज़ आल्सो कॉल्ड, तो स्केलर प्रोडक्ट को हम और किस नाम से जानते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या बेस वेक्टर। तो स्केलर प्रोडक्ट इज़ आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास, टू फोर्सेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एफ एक्ट्स एट अ 90 डिग्री देन द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड विल बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ए ऑप्शन है 2f, बी ऑप्शन आपके पास 0, सी ऑप्शन आपके पास रेडिकल 2f, डी ऑप्शन आपके पास रेडिकल 2f। तो रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? रिजल्ट का फार्मूला होता है पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर। तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड f है, दूसरे का भी f है, तो f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। तो आपका आंसर जो हो जाएगा रेडिकल 2f स्क्वायर, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेडिकल 2f। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड थर्ड जो क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर इज़ यूज टू स्पेसिफाई द, यूनिट वेक्टर किसके लिए यूज़ होता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फाइंड करने के लिए, डायमेंशन ऑफ वेक्टर या पोजिशन ऑफ वेक्टर। तो आपका यूनिट वेक्टर जो है वो आपके पास इज़ यूज फॉर द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड फोर्थ जो क्वेश्चन आपके पास वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद इटसेल्फ विल बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की, ठीक है, तो ए वेक्टर उसी वेक्टर के साथ, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए स्क्वायर, 0, 2a या रेडिकल 2a। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम क्या यूज़ करते हैं? साइन थीटा। अगर दोनों वेक्टर्स ए हैं तो मतलब आपके दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, अगर पैरेलल होंगे तो एंगल 0 डिग्री, और साइन 0 आपका किसके बराबर होता है? 0 के। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिफ्थ क्वेश्चन है पास, स्केलर क्वांटिटीज हैव ओनली, स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड, सिर्फ डायरेक्शन या बोथ। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है मैग्नीट्यूड, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सिक्स्थ क्वेश्चन है पास, चूज़ द वेक्टर्स ओनली, आपको ऐसा पेयर चूज़ करना है जिसमें ओनली वेक्टर्स हों, वेलोसिटी एंड मास। तो वेलोसिटी आपके पास वेक्टर है लेकिन मास आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड ऑप्शन है स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड आपके पास स्केलर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। सी ऑप्शन एक्सेलरेशन एंड फोर्स, तो एक्सेलरेशन भी फोर्स वेक्टर है एंड फोर्स भी आपका वेक्टर है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड सेवन जो क्वेश्चन है पास, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल डिस्क्राइब्ड बाय, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम किससे डिस्क्राइब करते हैं? पैराबोला, हाइपरबोला, सर्किल या स्ट्रेट लाइन। तो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो होता है वो आपके पास कौन सी शेप का होता है? पैराबोलिक शेप का होता है। एट्थ क्वेश्चन है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कांस्टेंट होती है, और एक्सेलरेशन हम किसे कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्स एक्सिस में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब आपकी एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगी? एग्जैक्टली 0 ही होगी। ठीक है सर, तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ax = 0, यानी एक्सेलरेशन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इन प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ठीक है स्टूडेंट्स, अब नाइन्थ जो क्वेश्चन आपके पास वो है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डैश। तो प्रोजेक्टाइल का मोशन क्या होता है? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपके पास 2 डायमेंशनल जो होता है 2 डायमेंशनल होता है, तो आपका जहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 डायमेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा फिजिक्स का सेक्शन, जिसमें मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो फर्स्ट ईयर के यानी आपके पास HSC लेवल के क्वेश्चंस GCU में आते हैं, तो उन्हें हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।